दोस्तों, आज मैं आया हूँ बीरभूम जिले के देवचा पचामी, जहाँ पर कोयले की खदान बनाने की योजना पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार बना रही है। और यहाँ पर मैं आया हूँ उन लोगों से मिलने जिनका सीधा सीधा सरोकार है इस प्रोजेक्ट से, जिनको विस्थापित किया जाएगा, जिनको घर से निकाल दिया जाएगा। और लोग बहुत चिंतित है यहाँ पर इस बात को लेकर के कि कल क्या आने वाला है और वो कहाँ जाएंगे, इस बात की कि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और सरकार खास करके, आप तो जानते ही हैं कि आदिवासी समाज जो है इसने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान रहा। जैसे ही हम किताब खोलते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ, बिरसा मुंडा फूल और उलगुलन तुरंत पढ़ाया जाता है। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर साथ हैं शिवलाल सोरेन भैया, कालीचरण भैया, और हमारे साथ हैं हम सबके जो है सबसे बड़े, और इनकी उम्र काफी हो गई है। तो कुछ आज हम बात करेंगे कि इनकी जो प्रकृति से रिश्ता है आदिवासी समाज का, वो कैसा है, इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या सोचते हैं, जिससे कि हम दुनिया को ये दिखा पाए लोग अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। पुलिस थाकुक और মমতা ব্যানার্জি गुंडा थाकुक और केंद्र सरकार पुलिस थाकुक, আমরা কাউকে মানব না, মরবো না হলে মারবো, কিন্তু জমি আমরা ছাড়বো না। हमारा पहला क्वेश्चन, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैंने जहाँ कोयला खदान लगी सरकार कोयला खदान लगी ते माने आमा मन चेन चुना चेक असुविधा होना को बोले आमा मन चे विचार मैंने चे चे असुविधा होना कोयला खदान हुई कहना है कि कोयला खदान ना होने से ही अच्छा है। दुर्गा मुर्मू गांव का नाम है ये मथुरा पहाड़ी, और जमीन तो आप जानते हैं, ये जो जमीन है पूरी की पूरी देवचा पचामी सारी आदिवासियों की जमीन है पूरी बीरभूम की। यहाँ पर जो लोग आए, कोई माइनिंग करने आया, कोई इंडस्ट्री लगाने आया और यहीं रह गए, और आदिवासियों की जमीन हथिया के बैठ गए और उसमें अब खरीद फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, पत्थर निकालते हैं, आज कोयला निकालने की बात आ रही है और घर से इनको बाहर निकालने की बात आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो मेरा प्रश्न था वो ये था, सबसे बड़ा प्रश्न, कि आप किस नजर से आप प्रकृति को देखते हैं, कि आप जब कोयले की माइन यहाँ आएगी, कोयले की खदान, तो आपको उठा के यहाँ से फेंक दिया जाएगा और आपको अपने प्रकृति से अलग कर दिया जाएगा, अपने समाज से अलग कर दिया जाएगा, कहीं और आपको जाने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, क्या विचार रखते हैं? मैं ये की बोले कि नोडे यदि कोयला खदान हुई लेन खाए अदो नोय जे प्रकृति सते जहां संपर्क में ना तो बना है अदो हुई लेन खाए जे ने प्रकृति बोले नोय जहां बुन बुंगा पुरु बुन मना दो बुन अदो उनाक सते सगई चेलका तहन दो बुन नोडे ना सके बोले अगर यहां पे कोयला खदान हो जाएगा तो हमारा जो गॉड प्लेस जगह है, यानी मंझी थान, जाहिर थान, ठीक है, ये सब तो उजाड़ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति इनके लिए घर है और घर ही प्रकृति है, अगर कोयले की खादान आई तो इनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और उसके साथ साथ इनका पूजा करने का स्थान, रहने सहने का स्थान सब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी विसंगति यहाँ पर है, जैसा कि आप देख सकते, सारे लोग, किसी ने मुझे जब मैं आया यहाँ बंगाल बीरभूम तो लोगों ने कहा कि आदिवासी लोग बहुत ही डेस्परेट हैं, बहुत चिंतित हैं इसको लेकर के, यहाँ पे कोयला खदान ना होने से ही बेहतर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे हैं, और कालीचरण भैया का समय बहुत कीमती है, इनके दो बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, बड़े सुंदर, और बाबा की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, इतने धैर्य से हमारे साथ बैठे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार, फिर हम लोग जय जोहार।